हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यू मी एंड के ड्रामा में। तो पम्पकिन टाइम का नेक्स्ट एपिसोड यहां से स्टार्ट होता है कि हाइवन फेरी की बातें सोच रही होती है कि वो उन दोनों को हमेशा साथ देखना चाहता था और क्या वो शिन हाइवन फिर से बनना चाहती है। वो इसी सोच में होती है जब जो ही उसे आवाज़ दे रही होती है। तब वो उसकी तरफ देखती है तो जो ही कहती है कि बेसबॉल क्लब इवेंट का फॉर्म उसने ले लिया। तब वो अचानक खड़े होकर ना कहती है तो जो ही कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जाकर ले आऊँगी। जब वो जा रही होती है तो वो एक बेसबॉल टीम मेंबर को प्रैक्टिस करते हुए देखती है और उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाती है। जो ही उसे देखकर सोच रही होती है क्या इसे ही पहली नज़र का प्यार कहते हैं। और यहाँ पर हाइवन अपने ही सोच में डूबी नोटबुक में लड़का लड़की लिख रही होती है। तभी सूजी वहाँ पर आकर कहती है कि क्या मैं तुमसे प्राइवेट में बात कर सकती हूँ। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तभी सूजी कहती है कि जो ही और तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमेशा ताइजू के पीछे रहते हुए मैंने कभी फ्रेंड्स नहीं बनाए। तो हाइवन भी कहती है कि तुम यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर सूजी कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि फिर से ताइजू को कन्फेस करूँ। तो हाइवन कुछ सोच कर कहती है कि कब करने वाली हो। तो सूजी कहती है कि वो अब तो प्रैक्टिस में बहुत बिजी है, स्पोर्ट्स डे के बाद करूँगी। और उसके एक्सप्रेशन देखने लगती है। हाइवन कहती है कि अब चलो, बहुत सारी तैयारी करनी है। फिर बताते हैं कि हाइवन जब घर लौट रही होती है तो रास्ते में उसे फेरी उसका इंतज़ार करते हुए दिखता है, जिसे देख कर वो कहती है कि तुम यहाँ। तो फेरी कहता है कि तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, तुमने क्या डिसाइड किया है। तो हाइवन कहती है कि गेस करो। फेरी सोच कर कहता है मुझे नहीं पता। तो वो कहती है कि तुम कैसे फेरी हो। फिर कहती है कि मैं जैसे ही हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ। तो फेरी खुश होकर कहता है कि तुम्हें कोई पछतावा नहीं। तो हाइवन कहती है कि कोई पछतावा नहीं। तो फेरी कहता है सोच लो, तुम्हारा सीक्रेट हमेशा सीक्रेट नहीं रहेगा। हाइवन कहती है कि अगर मैं ताइजू को बता दूँ तो क्या वो मुझसे बात करना बंद कर देगा। तो फेरी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें कभी भी फिर से शिन हाइवन बनना है तो मुझे बता देना। स्पोर्ट्स का डे होता है, बेसबॉल गेम चल रहा होता है। तो जो ही देख कर कहती है कि कितना हैंडसम पिक्चर है। सूजी कहती है कि ताइजू बहुत हैंडसम है। तो जो ही कहती है कि मैं ताइजू की बात नहीं कर रही। तो सूजी कहती है अच्छा, तुम जी वोंग की बात कर रही हो, वो ताइजू का फ्रेंड है, लगता है तुम्हें प्यार हो गया है, चलो डबल डेट करते हैं। वैसे भी हाइवन का बॉयफ्रेंड नहीं है। तो हाइवन कहती है कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। तो जो ही कहती है कि डबल डेट कैसे, हम तो तीन हुए। तो सूजी कहती है तुम और जी वोंग और मेरे पास तो ताइजू है ही। फिर हाइवन कहती है कि तुम लोग को सॉफ्ट बॉल के लिए रेडी हो जाना चाहिए। तो दोनों कहती है कि थोड़ी देर और। तो हाइवन कहती है अच्छा, लेट मत हो जाना। और वो जाने लगती है। जब वो जा रही होती है तभी एक प्लेयर शॉट मारता है और वो बॉल हाइवन की तरफ ही आ रहा होता है। सब आवाज़ दे रहे होते हैं तो हाइवन पलट कर देखती है, लेकिन धूप की वजह से वो देख नहीं पाती। तभी ताइजू आकर उसे कवर करता है और बॉल भी पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। तभी हाइवन को एहसास होता है और वो उससे दूर हो जाती है। वहाँ पर जो ही और सूजी आ जाते हैं। सूजी ताइजू से कहती है कि अच्छा हुआ तुम पर नहीं था बॉल। पर वो नोटिस करती है कि ताइजू हाइवन को ही देख रहा है। जब हाइवन जा रही होती है तो उसे ताइजू देख रहा होता है और ताइजू को सूजी देख रही होती है। फिर बताते हैं कि सॉफ्ट बॉल चल रहा है जिसमें सूजी को चोट लग जाती है। वहाँ पर जी वोंग और ताइजू आ जाते हैं। जी वोंग कहता है कि इसे नर्स रूम ले जाना चाहिए। तो सूजी ताइजू को कहती है कि क्या तुम मुझे हेल्प करोगे। तब ताइजू उसे पिगी बैक राइड देता है। सूजी बहुत खुश हो रही होती है तो वो ताइजू को स्लो चलने के लिए कहती है। यहाँ पर
कोच पूछते हैं कि तुम्हारा पिचर कौन है, तुम्हारे पास बस 15 मिनट्स है, तो सारे टीम मेंबर परेशान हो जाते हैं। तो जो ही दौड़ते हुए हाइवुन के पास आती है और उसे बेसबॉल खेलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जब हाइवुन और जोही जा रहे होते हैं तो ताइजो उन्हें देख लेता है, तो वो सूजी से कहता है कि मैं क्लास प्रेसिडेंट को बुलाता हूँ। लेकिन सूजी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तुम यहीं पे रुको। लेकिन ताइजो कहता है कि तुम रेस्ट करो और चले जाता है, और वो बस उसे आवाज़ देते रह जाती है। जब वो ग्राउंड पर पहुँचता है तो हाइवुन बहुत ही अच्छा खेल रही होती है। हाइवुन को कैप पहने और उसके बॉल फेंकने की स्टाइल देख कर उसे शिन हाइवुन की याद आती है, तो वो जोर में उसे शिन हाइवुन कहकर पुकारता है। हाइवुन उसकी तरफ देखती है और बॉल वहीं पे छोड़कर भागकर क्लासरूम आ जाती है। हाइवुन सोच रही होती है कि क्या उसने मुझे पहचान लिया, मेरी बात समझेगा या मुझे मॉन्स्टर कहेगा। और यहाँ पे ताइजो दौड़ते हुए उसके पास आ रहा होता है। उसे उसकी सिस की बात याद आ रही होती है कि शिन हाइवुन यही कहीं आसपास रहता है, वो कोई स्कूल टीम में नहीं है। जब वो उसके पास आता है तो उसका चेहरा पकड़कर उसे शिन हाइवुन आवाज़ देता है, और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, चीज़।